हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभि तिवारी ब्लॉग। तो आज हम आए हैं अपने छत में घूमने, और चलिए आपको दिखाते हैं छत का व्यू। मम्मी के यहाँ मम्मी ने कपड़े फैला के रखे हैं, सब जगह देख लीजिए। और देखिए इधर मम्मी को मेरे। मम्मी आज व्रत है आपका। क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप? छत घूम रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं छुप गई हूँ। इधर देखिए चोरी चोरी कुछ हो रहा है। ये देखिए अब लग गई मेरी मम्मी दरबार में, बकायदे अब दरबार करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अपने छत में घूमने, और छत का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दूर दूर तक घर बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली थी आपको, लव मैरिज का पार्ट वन आने वाला है। तो शुरू करते हैं चलिए अपने रूम से। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने रूम, माय बेस्ट रूम। छोटा सा है, बहुत अच्छा है। अब मेरी यूट्यूब की जब पेमेंट आएगी तब मैं ये रूम को एक अच्छा सा रूम बनाऊंगी और निमंत्रण दूंगी, तो आप लोग सब लोग आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लव मैरिज का पार्ट वन। सो फ्रेंड्स, मैं बैठ जाऊँ एक जगह तब तो बताऊंगी आपको। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो मेरी जो शादी मैरिज हुई है, मेरी मैरिज हुई है 26 नवंबर 2023 को। तो शादी के पहले की लव स्टोरी बताते हैं, फिर पार्ट टू में बताएंगे शादी के बाद की लव स्टोरी। तो शादी की लव स्टोरी ऐसी थी मेरी कि अब हमारी जो ननद रानी जो बन चुकी हैं वो मेरी फ्रेंड थी। तो हम दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे फ़ोन पे। एक दिन मुझे जाके वो अपना नंबर दी, फिर मैं उनको उनसे फ़ोन में बात कर रही थी। कुछ रात में ही अक्सर हम लोग बात किया करते थे 6 या 7 के बीच में। तो 7 ठंडी का टाइम था। तो यही अगस्त या सितंबर के बीच की बात है। तो ठंडी का टाइम था, तो जल्दी रात भी जाती थी। तो 7-8 बजे के करीब ये मोबाइल ले लिया करते थे। तो इनसे ये मेरे होने वाले हस्बैंड जी, होने वाले नहीं जो हो चुके हैं, वो फ़ोन ले लिया करते थे। मुझे नहीं पता रहता था। मैं फ़ोन की एक दिन मैं बोली, हेलो आप कौन, उत्तरा से बात हो सकती है? बोले कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। हाँ हो सकती है, कराता हूँ। फिर एक दिन कराए, फिर दूसरे दिन मैं उसी टाइम पे लगाई, तो फिर उन्होंने भी कोई कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन बात कराए, तीसरे दिन भी बात, चौथे दिन जब बात किए तो हम ही टॉपिक स्टार्ट किए कि आप उत्तरा के भाई हैं? तो बोले कि हाँ। तो मैं बोली कि मैं आपको देखी हूँ, आप कितना एटीट्यूड दिखाते हैं। तो फिर वो मुझे हंसी आ रही सुनी लव स्टोरी बताने में। वो बोले कि क्यों, तो क्या हुआ था, एक बार सरस्वती माँ की पूजा थी तो मैं मेरे साइकिल की चैन उतर गई थी, अब मुझे घर जाना था। तो मैं साइकिल की चैन उतर रही थी, अपने घर जा रहे थे। तो यही आईडियम पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे मैं इनको देखती रही। लेकिन ये लड़का मतलब मुड़ के नहीं देखे एक बार मेरी चैन बनाने की। मैं सोची यार ये लड़का आ रहा है, ये शायद बनाएगा। फिर मैं उत्तरा से भी बताई, फिर ये बात भी उनसे बताई, फिर हंसने लगे। हो गया, फिर हम दोनों की बातें स्टार्ट हो गई। फिर बातें स्टार्ट हुई, फिर फर्स्ट बार मैं मिली इनसे आके, मेरे अप्रैल की स्कूल चल रही थी, तो वही 5-6 अप्रैल को मिले। फिर उसके बाद हम दोनों की और अच्छी मतलब बहुत अच्छी से बॉन्डिंग हो गई। फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। चोरी छुपे मुझे इन्होंने एक फ़ोन भी दिया, छोटा सा सैमसंग का दिए थे। तो वो फ़ोन से मैं 1.5 साल बात की। फिर मेरे भैया जी हैं, मेरे भैया का नाम है मयंक, उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। जब उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया तो पता नहीं मुझे अचानक से घबराहट सी, मतलब बेचैनी सी महसूस होने लगी। फिर मैं मम्मी के फ़ोन से इनसे मैं बताई कि मेरा फ़ोन
मेरे भाई ने ले लिया है। तो इसके बाद फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। फिर उसके बाद ये मुझे दूसरा फ़ोन दिए जब मैं स्कूल आई थी, लेकिन तब पता नहीं चला था मेरे भाई को। मैंने बोल दिया था कि चलो पड़ा फ़ोन है। फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दूसरी बार भी फ़ोन पकड़ जाता है। दूसरी बार भी फ़ोन पकड़ा गया और मैं फिर इनको बताई। फिर ये तीसरी बार भी पकड़ा गया। फिर ऐसे ऐसे होते मेरे फैमिली वालों को भी पता चला तो ये हमको जो भी है मारे पीटे, बहुत मारे मुझे। फिर अब प्यार तो हो जाता है तो इतना जल्दी कहाँ ही, आप समझ सकते हैं प्यार करने वाले। तो मुझे मेरे भैया ने, मेरे मम्मी पापा सब ने मतलब मुझे अलग सा कर दिया था। देखिए जब ऐसा कुछ मैटर होता है लड़की को समझाया जाता है। मुझे ना घर वाले मुझे मारा करते थे, कोई ना माँ बाप को गुस्सा आती है, वो अपना जो उनका फर्ज होता है वो निभाते हैं। फिर ऐसा ना गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। तो फिर मेरे मम्मी पापा को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, जब उन्होंने सब कुछ मना किया कि बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर उसके बाद गुस्सा आई मम्मी पापा को, तो उन्होंने मोबाइल छीन लिया। मम्मी के फ़ोन से ही किया करते थे। पापा ने मम्मी का फ़ोन भी फोड़ दिया था उस टाइम पे। फिर किसी का फ़ोन नहीं था। फिर मैं, मेरी आंटी थी उनके फ़ोन से मैं फ़ोन की। मेरे बब्बा जी थे जो कि अभी अक्टूबर में ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके फ़ोन से मैं अधिकतर इनसे बात किया करती थी। मेरे बब्बा काफ़ी टॉर्चर होते थे मेरी वजह से। आज जहाँ कभी कहीं भी हो आप मुझे माफ़ करना। और उनको मैं सबसे ज़्यादा ही प्यार करती थी अपने बब्बा से। तो मेरी बहन भी, एक बड़ी बहन, और आप लोग कई कमेंट भी किए रहे हो कि आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताते हो। तो मेरा एक भाई है मयंक, और मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, बब्बा नहीं है। मेरी फैमिली में सिर्फ हम 6 लोग थे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मैं और मेरे बब्बा। बाकी मैं परिवार वालों को कुछ नहीं समझती, क्योंकि परिवार किसी का नहीं होता है। मैं अपने परिवार वालों की कहानी बताने लगूंगी ना तो आप लोग पागल हो जाएंगे कि ऐसा परिवार कहाँ किसी का नहीं होता। मेरे परिवार वाले और सपोर्ट ना करने की वजह से, और मतलब मैं नहीं कहती कि मैं अगर इनसे बात करती थी तो आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरे परिवार वाले उस तरह का सपोर्ट मैं नहीं मांग रहा थी। कम से कम मेरी मम्मी पापा का तो सपोर्ट करते, लेकिन नहीं कर रहे थे मेरे मम्मी पापा के। बस बदनामी। मैं बस यही बागेश्वर धाम में जाती हूँ, मैं उनसे बस यही मनाती हूँ, जिसने मेरे साथ जैसा किया है वैसा उसके साथ भगवान आप करना। बाकी और उनके लिए मैं बददुआएं नहीं मांगूंगी। जिस दिन से मैं आई हूँ, जिसने मेरी सबसे ज़्यादा बदनामी उड़ाई है, देख रहे हो वीडियो तो देखो, जिस दिन से मैं आई हूँ, मेरे बड़े पापा का लड़का है पीयूष, जिस दिन से मैं आई हूँ उस लड़के के घर में अच्छे से कोई खा नहीं पा रहा। बस डंडे पड़े हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं इस हॉस्पिटल कहीं उस हॉस्पिटल। माँ अभी मरने के कगार में आ गई थी, बेटा बीमार। तो किसी के लड़के के बारे में इतना मत उड़ा। एक दिन मैं बदला लूँगी और सभी से लूँगी। देख रहे हो वीडियो, लगता है सीटा, लगता रहे नॉट प्रॉब्लम। तो अब बाढ़ में जाए, ऐसे लोग आते रहते हैं लाइफ में। तो मैं शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पापा मेरे स्कूल छोड़ने आया करते थे, और एक दिन भाई आया छोड़ने, तो हनुमानगंज में ये मिले, मतलब मुझे देखने जाया करते थे। बेचारे अपनी गाड़ी जला दिए थे तो मुझे साइकिल से देखने जाते थे हनुमानगंज। उसके बाद जब हनुमानगंज से देखने जाया करते थे तो मेरा भाई एक दिन उनको देख लिया। फिर मेरे भाई से उनकी खूब लड़ाई हुई, खूब मारा पीटा हुई, फिर भी मैं इन्हें नहीं छोड़ पाई। फिर क्या हुआ, मेरा एक साल का हुआ ब्रेकअप। ब्रेकअप इसलिए हुआ कि मेरे जो फैमिली वाले थे ना, एक तरफ से इनके पीछे मतलब पूरा मारने का प्लान बना लिए थे। मैंने सोचा यार बताओ किसी का देखो क्या होता है ना, कुछ लोग के लिए होता है कि उनका बेटा, मेरे लिए था कि वो अपनी माँ का बेटा है और उसको अगर कुछ होने पाएगा तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी फैमिली वाले भी जानते हैं मैं एक लड़के के पीछे पागल थी। आज उसी से भगवान की कृपा से शादी भी हो गई। मम्मी भी बात करने लगे, मेरे पापा भी बात करने लगे। अब शादी कैसे हुई,
कैसी शादी हुई आप पार्ट टू में बताऊंगी। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो बदले की भावना आ जाती है ना मन में, तो कुछ मन नहीं करता है। मैं अब अंदर से इतनी ज़्यादा मेरा खून खौलने लगा कि यार कैसे लोग, कैसे मेरे साथ लोगों ने किया। बट कोई ना, मेरे साथ अचिन जी हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। मुझे कोई किसी की भाड़ में जाओ करते रहो, तुम्हारी भी दो दो लड़के हैं, तुम्हारी भी कल को क्या होगा कुछ नहीं पता। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी से मेरा सब्सक्राइब कंप्लीट करिए, ताकि मैं आगे जाऊँ तो पता चले कि नहीं मेरे साथ मेरे देखिए अभी क्या है ना कि अब आपको जो भी है तो पार्ट टू में ही बताऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अभी अपनी लाइफ को इंजॉय भी करना है, और सबकी जो एटीट्यूड है वो भी तोड़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, धन्यवाद।